आज हम रिकैप करेंगे गूस बम मूवी की। इस मूवी की शुरुआत में एक माँ बेटे घर की तलाश में दूसरे शहर जाते हैं और एक रूम रेंट पे लेते हैं। जब वह लड़का अपना सामान घर में ले जा रहा होता है तभी पड़ोस से एक लड़की उसे बुलाती है और उससे बात करने लगती है। तभी उस लड़की का बाप वहाँ आ जाता है और उस लड़की को डांटने लगता है और उस लड़के को भी डांटता है और बोलता है कि मेरी बेटी से तुम दूर रहो। फिर वह लड़का अगले दिन अपने कॉलेज जाता है और वहाँ उसे एक लड़का मिलता है और वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। फिर वह लड़का घर आ जाता है तभी उसकी पड़ोसी लड़की उसके घर पर आ जाती है और वो दोनों घूमने के लिए चले जाते हैं। वापस लौटते वक्त उस लड़की का पिता उसे देख लेता है और उस लड़के को डांटता है और लड़की को घर में बंद कर देता है। तभी वह लड़का अपने कॉलेज वाले दोस्त को बुलाता है और दीवार कूदकर उस लड़की के घर में घुस जाता है। उस लड़के को उस घर में एक पुस्तक की अलमारी दिखाई देती है। वह सभी पुस्तकें जादुई होती है। वह लड़का गलती से उस पुस्तक को खोल देता है तभी उस पुस्तक से एक चमकीली रोशनी बाहर निकलती है। उसमें से एक बड़ा गुरीला निकलता है और वह घर की दीवार तोड़कर बाहर निकल जाता है। तभी वह लड़का और लड़की उस पुस्तक को लेकर उस गुरीला के पीछे जाते हैं और गुरीला को उस पुस्तक में दोबारा कैद करने के बारे में सोचते हैं। तभी उस लड़की का पिता वहाँ आ जाता है और गुरीला को अपने पुस्तक में कैद कर देता है और वो सभी वापस घर लौटते हैं तो वह देखते हैं वहाँ एक और पुस्तक खुली हुई होती है जिसमें से एक स्लेपी नाम का पुतला बाहर निकल गया था। वह पुतला बहुत ज्यादा चालाक था। वह सभी पुस्तक को अपने साथ ले जाता है और सभी पुस्तक से सभी जानवर को आजाद कर सभी पुस्तक को जला देता है जिसके कारण वो सभी जानवर शहर को बर्बाद करने लगते हैं। तभी वह लड़का उस लड़की के पिता के पास आता है और बोलता है आप एक और पुस्तक लिखिए जिसमें सभी जानवर को वापिस जाने के लिए कहा जाए। फिर लड़की का पिता बोलता है उसे इस पुस्तक को लिखने के लिए एक जादुई टाइपराइटर की जरूरत है जो कि अभी कॉलेज में है। वह सभी कॉलेज में जाने के प्लान बनाने लगते हैं और कॉलेज में चले जाते हैं और टाइपराइटर ढूंढकर पुस्तक लिखने लगते हैं। तभी वहाँ पे स्लेपी आ जाता है और उन्हें वहाँ से भागना पड़ता है और वह सभी भागकर जंगल में चले जाते हैं और उस पुस्तक को पूरा करते हैं जिससे वह सभी जानवर उस पुस्तक में फिर से चले जाते हैं।